Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is your Shivani ma'am. So guys, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज रेस्पिरेशन इन प्लांट. एंड ये चैप्टर बच्चों हमारे जो भी स्टूडेंट्स आर्मी विच इज नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस PGIMER के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो नीट का ड्रॉप लेना चाहता है 2024 या 2024 वाले फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. बिकॉज आज की वीडियो में आप लोगों को रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में कवर अप कराने वाली हूँ. जितने भी फ्लो चार्ट्स है उन फ्लो चार्ट्स को हम साथ ही साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली वो फ्लो चार्ट्स कैसे फंक्शनिंग करते हैं. तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाली है. जरूरी है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें. पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग वन बाय वन करके बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं. अब प्लस थोड़ी सी टिप्स हमारे स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उन्होंने ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा होगा, प्लस उनको नोट्स भी उनके प्रिपेयर होंगे. तो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सिर्फ और सिर्फ सुने, अभी लिखे मत कुछ भी, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे, एनसीईआरटी से साथ साथ रीड करें. बिकॉज ये चीज आपने 2023 के एग्जाम में भी फील की है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है. इवन आप लोगों ने जो 2023 का टॉपर है जिसने 720/720 स्कोर किया है, उसने अपने इंटरव्यू में ये चीज बताई भी है आप लोगों को कि एनसीईआरटी नीट स्टूडेंट्स के लिए बाइबल के जैसे है. एनसीईआरटी की एक एक वर्ड आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए. एटलीस्ट 3 बार हर एक स्टूडेंट का सिलेबस कवर होना चाहिए एग्जाम से पहले. 3 बार सिलेबस प्रॉपरली रिवाइज हो आपका, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी वर्ड कहीं पे भी समझ नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना. आपको कोई भी कमेंट होगा मुझे टैग करके आप वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट कर. अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आते हैं बच्चे, ये है हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अच्छा एक बार मेरे को ये बता दो, जो PDF है वो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना? बिकॉज एनसीईआरटी साइड बाय साइड पढ़ेंगे हम लोग और साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे जो फ्रेश इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना है. तो अब जैसे ही कोई भी चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मेरी खुद की स्ट्रेटजी अपने टाइम में भी यही रही है एंड आई वॉन्ट कि आप लोग भी सेम ही चीज फॉलो करो, कि सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसको समझो कि एग्जैक्टली ये चैप्टर हमको क्या बता रहा है, इस चैप्टर के अंदर मेरे को क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा. तो पहला चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि हमारे जो प्लांट्स है भाई वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन से उनको क्या क्या मिलता है. अब अगर मैं प्राइमरी क्लासेस की बात करूं तो प्राइमरी क्लासेस में हम लोगों को एक चीज सिखाई जाती है. क्या सिखाया जाता है कि भाई मेरे पास कोई भी प्लांट है तो प्लांट आपका क्या इनहेल करता है, प्लांट आपका CO2 इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, यही हम लोगों ने सीखा है. और इसका जस्ट अपोजिट ह्यूमंस करते हैं या एनिमल्स करते हैं. एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स आपका O2 इनहेल करते हैं एंड CO2 एक्सहेल करते हैं. इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में O2 और CO2 का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है हमेशा. सपोज हमने सारे प्लांट्स कट कर दिए अर्थ पे से सारे प्लांट्स कट कर दिए, क्या बचेगा भाई? हम लोग CO2 एक्सहेल करते जाएंगे, CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, चलो हमने ये मान लिया. लेकिन भाई हम ऑक्सीजन कहाँ से इनहेल करेंगे, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ही रहेगी. बिकॉज ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, प्लांट्स है. इसके साथ साथ एल्गी को भी माना जाता है, 50% से ज्यादा जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो हमारी एल्गी है, क्योंकि एल्गीज आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, वो भी फोटोसिंथेटिक होती है हमारी, और एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो इसका मतलब अर्थ पे जितना ज्यादा जरूरी रहना एनिमल्स का एज वेल एज प्लांट्स का भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन. ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हुआ. अब मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड बोला फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब सबको पता है, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़, जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करना, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करते हैं. किस किस चीज की इनको रिक्वायरमेंट होती है, CO2 चाहिए होता है इनको,
वाटर चाहिए होता है, और सिंथेसिस किसका करता है, फूड का सिंथेसिस करता है, विच इज C6H12O6+O2। अब देखना जरा, ये हमने बोला प्लांट CO2 इनहेल करता है, तो इनहेल किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और एक्सेल यहां से जो ये ऑक्सीजन निकल रही है इसके ऑक्सीजन को एक्सेल करता है। सिंपल है, दोनों प्रोसेस को रिलेट कर लिया। अब चलो हमारी एनसीईआरटी लाइन पे, थोड़ा सोर्स को जूम आउट करते हैं। एक-एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना है, और जैसे मैं एनसीईआरटी के साइड में चीजें लिख रही हूँ ना, आप लोगों के भी एनसीईआरटी एज इट इज भरी होनी चाहिए। जो जो वर्ड मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, सेम वर्ड आप लोगों को भी हाईलाइट करके रखना है अपने पास, कर लोगे। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लीव, हम लोग ब्रीथ। अच्छा एक और चीज मेरे को याद आई यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ब्रीथिंग से मिलेगी। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, रेस्पिरेशन को ही समझ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसका मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रीथिंग के टाइम पे जो मैंने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कराना है। तो यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन हम लोगों को करा, ठीक है। बट वाई ब्रीथिंग इज सो एसेंशियल टू लाइफ, ये बोल रहे भाई ब्रीथिंग इतनी ज्यादा एसेंशियल क्यों है। वॉट हैपन्स वेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, ऑल्सो टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब ब्रीथ, इफ सो एंड हाउ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सोचना है। हमें पता है कि हम सबको जिंदा रहने के लिए ब्रीथिंग करना ही पड़ेगा, तो भाई ब्रीथिंग इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि ब्रीथिंग के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। प्लांट्स के केस में कार्बन डाइऑक्साइड उनको फूड बनवाने में हेल्प करती है, हमारे केसेस में मैं ऑक्सीजन लेती हूँ तो उससे मेरा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर। ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट वॉट हैपन्स वेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड आती है, सेम प्लांट्स के अंदर अपोजिट हो जाता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली ब्रीथ करता है, प्लांट्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, सब ब्रीथ करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। हमें अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग, हर कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, जैसे मैं भी बोल रही हूँ मेरे को भी एनर्जी चाहिए, आप लोग सुन रहे हो, लिख रहे हो, आप लोगों को भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिली है, वो एनर्जी आपको आपके फूड के ऑक्सीडेशन से मिली है, क्योंकि फूड हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एनर्जी कब मिलती है, जब वो सेल के पास जाता है, सेल के पास जाके उसका ऑक्सीडेशन होता है, विच इज नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अब आप बोलोगे मैम पढ़ा तो प्लांट्स रही हो और बात आप अपनी कर रहे हो, है ना, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑलमोस्ट सेम है। हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स के अंदर, बट डिफरेंस क्लोरोप्लास्ट का है। प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट है इसलिए वो अपना फूड खुद बना देते हैं, उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एनिमल्स की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनको फूड बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से फूड लेना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी नीड डाइजेशन ऑल्सो। तो जितने भी प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, हर एक प्रोसेस के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है भाई एनर्जी कहाँ से आएगी, मेरे को पता है आपको भी पता है कि मैम फूड का ऑक्सीडेशन होगा एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी से हम अपने सारे डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हमें पता है कि भाई अगर हम एक दिन खाना ना खाए तो बहुत लो फील होने लग जाता है, होता है कि होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिफिशियंसी होने लग रही है। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, चलो मैंने फूड खा लिया, उस फूड से जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है मेरी बॉडी के अंदर। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या मैंने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, जंक फूड खाया, पेटीज खाई, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, क्या सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ये क्वेश्चन है। डू प्लांट्स ईट, क्या प्लांट्स भी कुछ खाते हैं, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, अगर प्लांट्स कुछ नहीं खाते तो उनकी एनर्जी कहाँ से आती है। आंसर है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, फूड बनाते टाइम जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसी की हेल्प से अपना फूड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खाना खाते हैं? अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग की लाइन होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, बट ये स्टार्टिंग की लाइन ही पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराते हैं। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है किसी भी चैप्टर का, जो स्टार्टिंग में एक दो पैराग्राफ लिखे होते हैं ना, उनको बहुत डीपली समझ लिया करो, बहुत ज्यादा डीपली। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस, आप कुछ क्वेश्चंस पे सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, आपको बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, कि कहीं पे फूड की बात कर रहे हैं, कहीं पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बट इन रियालिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड। जो मैंने अभी बताया था कि भाई जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, अगर वो नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कैसे हो जाएगा, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से जो एनर्जी मिलती है वो कहीं ना कहीं ब्रीथिंग से इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? ब्रीथिंग में मेरे को, मैं ऑक्सीजन इनहेल करूंगी, वही ऑक्सीजन मेरे फूड को ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगी। फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को यूज करके मैं अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करूँ। सिंपल। तो अब इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ऑक्सीजन वर्क करती है, कैसे सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है। ऑल दी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है? इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। व्हाट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल? जिसको हम स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, विच इज नोन एज डाइजेशन। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे दो ऑर्गेनिज्म, ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सन से आने वाली लाइट, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से अपना फूड बनाते हैं। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इन टू chemical energy, which is the definition of photosynthesis, that is stored in the bones of carbohydrate like glucose, starch and sugar. मतलब पहले हम glucose या starch बनवाएंगे photosynthesis में, फिर उसका breakdown करा के energy लेंगे, carbon carbon bonds break करेंगे, energy मिलेगी। We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize, only cells containing chloroplasts. ये वो बोल रहे हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स के अंदर सारे सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ वो सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जो सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। अब लाइट ट्रैप होगी तभी तो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, जो सबसे अबव वाली ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन जैसे टिश्यू, सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन, उनको भी वही फूड चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। हेंस फूड को हमें ट्रांसलोकेट कराना पड़ेगा उन सारे ऑर्गन्स के अंदर जहां पे फूड नहीं बन रहा है। This is known as transportation of food. का transportation कौन कराता है? Phloem कराता है। और water और minerals का? Xylem कराता है। तो tissues भी required हैं। Animals जो हैं वो heterotrophic है। They obtain food from plants. Directly plant से food लेते हैं, वो अपना food खुद से नहीं बनाते। अब मेरे को ये बता दो, जल्दी से एक मिनट लो, पूरा पेज देखो, समझ में आया या नहीं आया? कहीं पे कोई doubt है? Just check कर लो। एंड साथ ही साथ अपने पास डाउट्स लिख लो या तो कहीं पे, जल्दी जल्दी बच्चों। यू नो ना आरयूएचएस का एग्जाम आप लोगों का जुलाई एंड में है, आप मिस नहीं कर सकते इन एग्जाम्स को। एंड बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज, टुडे इज 18th June, आरयूएचएस का अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया ना, कर देना, आज लास्ट डेट है, आज के बाद आर यू जी इसका फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। हो गया, चले आगे। चल तो
एनिमल्स के बारे में उन्होंने क्या लिखा था कि भाई एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज करते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो अपना फूड डेड एंड टिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, ये हमें पहचानना होगा कि भाई जितना भी फूड अर्थ पे आज के टाइम में अवेलेबल है, चाहे वो मैं खा रही हूँ, आप लोग खा रहे हैं, हमारे फंजाई खा रहे हैं, हमारे एनिमल्स खा रहे हैं, बैक्टीरिया खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सारा फूड कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। सो द ओनली सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ इज प्लांट्स। प्लांट्स नहीं होते तो क्या आप लैब में बैठ के सब्जियां उगा सकते थे कि भाई आज इस वाले लैब में आलू बिक रहे हैं, आलू बन रहे हैं, एक में आप लोग टमाटर बना रहे हैं, नहीं हो सकता है ना। तो प्लांट जरूरी है हमारे लिए, इवन हमसे ज्यादा जरूरी प्लांट्स है। चल दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दोबारा पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम क्या डील करेंगे। अब हमें समझ में आया कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होगा, एंड रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटीरियल विद इन द सेल, और वहां से क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और उस एनर्जी को मुझे पकड़ना है, ट्रैप करना है, किस फॉर्म में, एटीपी सिंथेसिस के लिए। व्हाट इज एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डन यहां तक सब कुछ, आगे चलते। तो अब यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई है बच्चों, कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। लिखना जरा इसको, क्या है बच्चों रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है कुछ ना कुछ फिजिकली भी चेंज हो रहा है। फिजिकली क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और केमिकल्स का मतलब हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है बच्चों, विद इन द सेल, द सेल हो रहा है। ये मेरे को रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आई। और ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में, अब इन्होंने बोला था कि वहीं से एनर्जी रिलीज होगी जब हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इन सबको ब्रेक डाउन कराएंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को मैं ब्रेक कराऊंगी कहाँ से, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के थ्रू हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ब्रेक कराएंगे। और ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, एक ही स्टेप में नहीं हो जाने वाला है ये, दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। एंड ये एक बहुत स्लो भी प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये हमेशा एक स्टेप वाइज चलेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये नहीं फर्स्ट के बाद थर्ड स्टेप पे जंप कर जाएंगे, स्टेप वाइज कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होगा, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होगा। एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रैप करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करेंगे एटीपी की फॉर्म में। व्हाट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लिख लो इन चीजों को जल्दी से।
बच्चों, डन। देखो जरा अब आगे क्या लिखते हैं। अब ये हमको बता रहे हैं भाई, फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। वेयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी। मतलब जो ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। वेरी गुड। एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन ओनली इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। जो मैंने अभी लिखा है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल है। फिर बोलते हैं द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करा रहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, दैट कंपाउंड इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब वो सबस्ट्रेट जिसका मैं ब्रेक डाउन करा रही हूँ रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी क्या हो सकता है? एमी थोड़ी ना कुछ भी हो सकता है। लिखेंगे इसको अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नोट्स आई वॉन्ट कि आप लोग प्रॉपरली बनाते चलो मेरे साथ साथ। तो क्या है भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर दी कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में दो एसिड्स हम काउंट करेंगे, मैलिक एसिड एंड ऑक्जैलिक एसिड। मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। अब एक सिंपल सी चीज है जो हमारी एनसीईआरटी कहीं ना कहीं मिस कर दिया एनसीईआरटी लिखने में, कि भाई रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप के हो सकता है। एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, एक होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या होता है। सपोज कर रहे हैं कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं डाइटिंग नहीं फास्टिंग पे हूँ, ठीक है, फास्टिंग पे हूँ। मैंने कल खाना खाया था, आज नहीं खाया, ठीक है। तो मेरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। अब मेरी बॉडी क्या करेगी, मैं बाहर से फूड नहीं कंज्यूम कर रही, मेरी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट फैट है प्रोटीन है उसी को ही ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी। तो प्रायोरिटी में वो सबसे पहले किसको ब्रेक डाउन करेगी? वो सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगी कार्बोहाइड्रेट का। मेरी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी, उससे एनर्जी बनाएगी, क्योंकि मैं काम परफॉर्म कर रही हूँ, फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सेकेंडली ये हमारे फैट को डाइजेस्ट करेगी। इन दोनों, जब हमारी रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है, सॉरी रेस्पिरेशन होता है, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा फास्टिंग कर लिया है, एक्सटेंसिव फास्टिंग अप कर लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक हो गया, फैट भी ब्रेक हो गया, बचा गया प्रोटीन। तो प्रोटीन हम थर्ड नंबर पे ब्रेक कराते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटो प्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दिस इज नॉन एज प्रोटो प्लाज्मिक रेस्पिरेशन। नहीं समझ आया? दोबारा सुन। हम मैंने बोला कि भाई रेस्पिरेशन में हमारे पास चार टाइप के सब्सिट्यूट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। अब सपोज कर रहे हैं मैं फास्टिंग पे आ गई, मैंने कुछ नहीं खाया बाहर से, तो मेरी बॉडी के अंदर जितना स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होगा पहले उसको ब्रेक डाउन कराएगा सेल, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद सेकेंडरी वो फैट पे जाएगा कि भैया फैट का नंबर है। इन जब हमारा रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेक डाउन हो रहा है, दिस इज नोन एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे वो प्रोटीन को टारगेट करेगा, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। डन, लिख लो जल्दी से। एंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब
ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोनोसेक्रेट, डाइसेक्रेट, एनीथिंग. Let's move on to the next. पढ़ो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अब एनसीईआरटी क्या लिखते हैं इसके बारे में. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एनर्जी रिलीज कराने के लिए, बट प्रोटीन, फैट एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स को भी हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसे यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको लिखवा दिया, अंडर सर्टेन कंडीशन. प्रायोरिटी में कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन. ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, जब एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इन टू द सेल. भाई ये नहीं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनर्जी बन रही है, उसको सेल के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा दे रहे हैं, नहीं. और एक सिंगल स्टेप में भी नहीं होता, ये धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर एनर्जी को मेरे को स्टोर करके रखना पड़ेगा, एक ट्रैप करके रखने पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ऐसे ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते उसको. इट इज रिलीज इन अ सीरीज, सीरीज में चलता है, स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, लिखवा चुके हुए पॉइंट भी. एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सब लिखवा दिया. Hence, it is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not used directly. हम उसको directly नहीं use कर सकते, but उसको ATP की form में use करेंगे, which is broken down whenever energy need to be utilized. जहाँ पे energy की जरूरत होगी, वहाँ पे ATP जाएगा और वहाँ पे वो energy provide कराएगा. इसलिए हम ATP को बोलते हैं energy currency of the cell. This energy trap in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism. Carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule in the cell. बता, यहां तक सब कुछ समझ में आया, जितना important data था सब मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, बाकी चीजें समझने की चेक करो समझ आ रहा है, देन आगे चले. कोई जल्दी नहीं है बढ़ने की, आराम से बढ़ेंगे, टाइम है अभी हम लोगों के पास. आगे अब नेक्स्ट टॉपिक आता है 14.1. डू प्लांट्स ब्रीथ. क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई हम लोगों से कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. मेरा आंसर है यस, ऑब्वियसली प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं भाई, उनको भी तो CO2 चाहिए, उनको भी तो O2 चाहिए. यस, प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2. हेंस प्लांट्स हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. प्लांट्स के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा असेंशियल होती है. प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज ऑर्गन. जैसे हमारे एनिमल्स के पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नोज होता है ट्रांसफर करने, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता. इनके पास स्टोमेटास होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज ही कराते हैं. किस किस के थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिकल्स के थ्रू. देर आर सेवरल रीजन व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि जो प्लांट्स हैं बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी प्रोसेस इजिली कर पा रहे हैं. फर्स्ट, ईच प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज रेट. मतलब हर एक प्लांट का पार्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा. जैसे हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का काम ब्लड का है. नोज से, नोस्ट्रल से गया, ट्रेकिया में गया, लंग से गया, ब्लड में ट्रांसफर हो गया, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुआ. हर एक बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड का काम है सर्कुलेट करना, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है. प्लांट का हर एक पार्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा. हर एक लीफ के पास अलग अलग स्टोमेटास होंगे, हर एक स्टेम पे लेंटिकल्स होंगे जो एक्सचेंज करा लेंगे, और वहां पे देर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंडली,
प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज, उनके पास गैस एक्सचेंज के बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है. रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स रिस्पायर करते हैं एट रेट फार लोअर देन एनिमल्स डू. मतलब प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स. ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या फिर आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज होती है सिर्फ और सिर्फ किस प्रोसेस के टाइम पे? ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. Each leaf is well adapted to take care of its own need during this period. Well, self-photosynthesis, जब self-photosynthesis करती है, availability of oxygen is not a problem in these cells. उस time पे oxygen की availability problem नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे oxygen खुद release होता है photosynthesis के time पे. ठीक है? आगे चलो. Thirdly, क्या कहते हैं? The distance that gases much must diffuse even in large bulky plants is not great. Each living cell in a plant, हर एक living cell एक plant के अंदर is located quite close to the surface of the plant. तो वहां पे ज्यादा बड़े transport की जरूरत नहीं होती. This is true for leaves. You may ask, but what about thick और जो बड़े बड़े size के trees, stems, roots इन सब के अंदर, उनके अंदर कैसे होता होगा? In stem, living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. जो बार्क होती है हमारे, बार्क मतलब प्लांट्स की जो छाल होती है, वो बहुत ब्राउन ब्राउन से, उसके अंदर लेंटिकल्स प्रेजेंट होता है. लेंटिकल्स क्या होता है, ये आप लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है. दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, उन्हीं के थ्रू एक्सचेंज वो कर लेता है. उस बार्क का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम होता है. दस मोस्ट सेल ऑफ अ प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सर्फेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर. मतलब मोस्टली Most cells of the plant have at least a part, मतलब जितनी भी प्लांट की सेल्स है उनका एटलीस्ट कोई ना कोई पार्ट है जो एयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छिपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है एयर के, चाहे वो छोटा सा ही पार्ट क्यों ना हो. दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई द लूज पैकेजिंग ऑफ पैरेन्काइमेटस. पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एनाटॉमी में पढ़ा है. पैरेन्काइमा लूज पैक्ड होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है लीव्स में, स्टेम्स में और फिर आपके रूट्स में. फिर इन्होंने हमको क्या लिख के दिया है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है. फूड प्लस ऑक्सीजन, CO2 बनता है, H2O बन रहा है और एनर्जी बन रहा है. दिस इज नोन एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन. ये हमारा रेस्पिरेशन की इक्वेशन. ठीक है, आगे पढ़. If this energy is to be useful to the cell, ये जो energy यहाँ पे produce हुई, यही energy हमारे cell के लिए useful है, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell require. इसी energy को use करके हम अलग अलग molecules बनाएंगे जो हमारे cell को चाहिए. The strategy that the plant cells use is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. मतलब प्लांट्स के अंदर ये स्ट्रेटजी फॉलो होती है कि वो अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन कराते हैं तो उनकी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर ना निकल जाए. द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप. मतलब वो स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी ये है कि भाई एक स्टेप में मत एनर्जी निकालो, अलग अलग स्टेप्स में एनर्जी निकालो ताकि मुझे टाइम मिल जाए उस एनर्जी को स्टोर करके रखने का. ये सिंपली यहाँ पे बोल रहा है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट्स. ये एक बाई प्रोडक्ट के जैसे रिलीज होता है. कंबशन के लिए भी हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बस वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाए. ये सारी कहानी इन्होंने लिखी हुई है, एक कंडीशन एरोबिक, एक कंडीशन एनारोबिक. एरोबिक के अंदर हमेशा याद रखना है ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा, मतलब जितना C6H12O6 उससे सारा का सारा डायरेक्टली कार्बन में कन्वर्ट होके एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कंप्लीटली एनर्जी रिलीज. बट एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, सारी कार्बन एनर्जी नहीं बना पाएगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी नहीं मिल पाएगी, कुछ बाई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन रह जाता है. ठीक है, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है, विच इज नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है समझ लो पहले, फिर एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ. चलो लिखना स्टार्ट करो.
देखो बच्चों, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस को ही हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. व्हाट इज ईएमपी हियर? व्हाट इज ईएमपी? एनीवन नोस? यस, ई इज एम्बिडॉन, मेयर ऑफ परनास. क्वेश्चन आ जाता है ईएमपी से, एम्बिडॉन मेयर ऑफ परनास पाथवे, हम इसको बोल सकते हैं. ग्लाइकोलाइसिस जो एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है. और ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा याद रखना ओनली कार्बोहाइड्रेट्स ही ब्रेक डाउन होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का ही ब्रेक डाउन होता है. ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों कि मेरी बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस सेम चल रहा है, प्लांट्स के अंदर भी सेम चल रहा है, बैक्टीरिया फंजाई एल्गी हर किसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है कहीं पे भी. इसकी साइट क्या होती है, कहाँ पे ये होता है? ये आपका होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ने लाइन लिखी हुई है. और ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक, दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस सेम रहेगा. एग्जैक्टली लिखो इस लाइन को, अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों में सेम पाया जाएगा. और ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा इसके अंदर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा. इतने पॉइंट्स लिखो जल्दी से, फिर आगे बताती हूँ. अब इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट तो ब्रेक होंगे बट वो मोनोसेकेराइड्स होने चाहिए, मोनोसेकेराइड. अब आप बोलोगे मैम अगर डाइसेकेराइड होगा उसको क्या करेंगे? भाई सपोज अगर डाइसेकेराइड है आपके पास, सुक्रोज है, तो उसको पहले मोनोसेकेराइड में ब्रेक कराओगे आप. सुक्रोज को कौन ब्रेक डाउन कराता है? सुक्रोज को कराता है इन्वर्टेज एंजाइम. इन्वर्टेज की हेल्प से पहले आप उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कराओगे, फिर इनका अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस होगा, ऐसे प्रोसेस होगा अगर डाइसेक्राइड होगा तो सिंपली ये मोनोसेक्राइड्स पे ही एप्लीकेबल होता है. डन. अब ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स पे आ जाते हैं. ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस होता है, 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप इसके अंदर फॉलो होते हैं. उन 10 स्टेप में दो फेजेस आती हैं. कैसी कैसी फेजेस आती हैं? दो फेजेस आती हैं. एक फेज वो होता है जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है मतलब देनी पड़ती है एनर्जी. एक फेज वो होती है जिसके अंदर एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, एनर्जी हमको मिलती है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज. तो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज जिसमें मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें मतलब एटीपी कंज्यूम होगा, तो कौन से होंगे? फर्स्ट से लेके थर्ड तक का जो फेज होगा वो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होगा. फोर्थ से लेके 10th तक का जो फेज होगा वो एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज होगा. एनर्जी एक्सट्रैक्शन मतलब एनर्जी फॉर्म होगी, एटीपी फॉर्म. इतना क्लियर है?
लिखो इसको, दो फेजेस, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। बच्चों एक चीज याद रखना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक पॉइंट लिख लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। क्या लिखो? स्टेप्स ऑफ, फिर हमारा जो चैप्टर चलेगा थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चलेगा, स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा, किसी के भी अंदर हो, वो ये स्टेप्स फॉलो करेगा। सबसे पहला स्टेप उसके अंदर आएगा कि वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा आपका साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस में जो मेरे पास ग्लूकोज है उसका मैं ब्रेकडाउन कराऊंगी और उससे पाइरूविक एसिड बनवाऊंगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा के पाइरूविक एसिड। फिर जो पाइरूविक एसिड बनेगा वो आगे जाएगा लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन के अंदर जाएगा। ये लिंक रिएक्शन कहाँ पे होती है? ये आपकी होती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होगी, जिसमें पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोए बनेगा। क्या बनेगा? एसिटाइल कोए। फिर वो एसिटाइल कोए लिंक रिएक्शन से निकल के जाएगा कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? क्रेब्स साइकिल होती है आपकी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहां पे हम लोग क्या कराएंगे? क्रेब्स साइकिल रन कराएंगे और क्रेब्स साइकिल में NADH बनवाएंगे, FADH बनवाएंगे, GTPs बनवाएंगे, अलग अलग एनर्जीज मिलेगी। फिर यहाँ से जितनी भी एनर्जीज प्रोड्यूस होगी वो सब कहाँ जाएगी? मेरे पास जाएगी ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगी, जहां पे एग्जैक्टली हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन कराएंगे। और ये होता है मेरा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये स्टेप्स है, मैं आप लोगों को पहला स्टेप बता रही हूँ, विच वन इज ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराओगे और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा के क्या बनवाएंगे? पाइरूविक एसिड बनवाएंगे। फिर वो पाइरूविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाएगा, एसिटाइल कोए बनाएगा, एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में रन होके पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा, CO2 निकल जाएंगे वहां से, NADH निकलेंगे, वो NADH सारे ATS पे जाएंगे और वहां से एनर्जी बनाएंगे। सिंपल है। चलो यहां तक लिख दिया था हम लोगों ने, अब समझ में आया ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है। चलो अब अगर ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों को समझ में आ ही गया है, तो जरा ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हम लिखने स्टार्ट कर देते हैं कि भाई एग्जैक्टली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कैसे कैसे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज होगा, बहुत अच्छे से समझना है बच्चों इस प्रोसेस को, ग्लूकोज का मेरे को ब्रेक डाउन कराना है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है एग्जैक्टली। अब ग्लूकोज के अंदर क्या होगा? एक ATP मॉलिक्यूल यूज होगा। यहाँ पे ध्यान से समझना क्यों होगा क्यों नहीं होगा। ATP इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, उसको ब्रेक डाउन करा के मैं बनवा दूंगी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, क्योंकि बच्चों को ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किया है कि आप लोगों को इस चैप्टर का फियर खत्म करा दूं पहले। ATP एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट रिलीज हुआ, ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट आएगा और ग्लूकोज से चिपक जाएगा, ग्लूकोज से चिपक जाएगा और क्या बना लेगा आपका? ये बना लेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इसने बना लिया। एंजाइम कौन सा यूज किया? एंजाइम यूज किया हेक्सोकाइनेज, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम का वो एंजाइम होता है मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना। अब इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन करा दो, इसका आइसोमराइजेशन करा दो, और आइसोमराइजेशन करा के बन जाएगा मेरे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। क्या कराया? आइसोमराइजेशन। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? आइसोमराइज।
पे एक सिंपल सी चीज देते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। वन टू थ्री फोर ये फाइव का ग्लूकोज की स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। होता ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सी एच टू एच ऐसे होता है। अब ये मेरे पास सिक्स कार्बन ग्लूकोज है, मेरे को क्या कराना है इसकी सिक्स पोजीशन पे फोस्फेट लगवाना है, मतलब यहाँ से OH को हटा के फोस्फेट ऐड करा देना है। वो फोस्फेट कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा ना मेरे को, तो फोस्फेट मैंने कहाँ से लेके आया, एटीपी से, वो ब्रेक डाउन करा के एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, वो इनऑर्गेनिक फोस्फेट जाके बाइंड हो गया। अब इस ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज सिक्स फोस्फेट में। ऐसी स्ट्रक्चर बना दी इसकी, ये स्ट्रक्चर मेरे पास बन गई। अब इसके पास दो पोजीशंस खाली हैं, इसके पास दो पोजीशन खाली हैं, तो मतलब एक पोजीशन पे तो फॉस्फेट लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन फ्री है CH2OH, तो मैं यहाँ पे भी फॉस्फेट लगवा सकती हूँ। एक पोजीशन पे है फॉस्फेट जो ग्लूकोज को मैंने इसमें आइसोमर में कन्वर्ट किया है इसको, दूसरी पोजीशन फ्री है, तो मेरे को मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और फॉस्फेट लगवाना पड़ेगा, एक और ATP ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बन जाएगा, ग्लू फ्रक्टोज की सिक्स पोजीशन पे है और वहां पे कौन सी पोजीशन पे लगवाना है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फ्रक्टोज 1,6 बन जाएगा या नहीं, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बताओ यहां तक समझ में आया, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेप इज कैरिड आउट बाय एंजाइम विच इज नोन एज फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। अब इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के पीछे थोड़ी सी कहानी छिपी हुई है, वो कहानी जरा सुन लो, क्या कहानी है। तो कहानी बच्चों ये है कि ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या फिर पेस मेकर एंजाइम, जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताता है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कभी कभी, पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का पेस मेकर हम इसको मानते हैं, वो क्यों मानते हैं, क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो इजीली एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स के थ्रू इनहिबिट हो सकते हैं। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो इनहिबिटर है वो कौन है, इसका इनहिबिटर है ATP। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ATP का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रखा है ऑलरेडी, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा। ATP नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है ATP, इधर नेगेटिव मॉड्यूलेटर के जैसे, नेगेटिव मॉड्यूलेटर के जैसे वर्क करता है यहाँ पे। तो अगर ATP का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा, कि भाई ATP है ऑलरेडी बॉडी में, क्या जरूरत है फिर और ज्यादा आपको ATP बनवाने की, मत बनवाओ, मत मेहनत करो इतनी, क्योंकि ऑलरेडी ATP आप यूज भी कर रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है, इसलिए इसको पेस मेकर एंजाइम। अगर ये इनहिबिट हो गया, आगे वाला सारा स्टेप्स रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा आगे वाला प्रोसेस। यहां तक चलो, अब हम लोगों को समझ में आया, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ग्लूकोज था, फर्स्ट स्टेप पे मैंने ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाया ATP यूज करके, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फिर फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट आइसोमराइजेशन कराया, फ्रक्टोज सिक्स से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, अगेन एक ATP, दो ATP मैं यहाँ पे यूज कर चुकी हूँ। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है, एक सिक्स कार्बन कंपाउंड है। अब एक एंजाइम हम लेंगे, दिस एंजाइम इज नोन एज एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम लेंगे, एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम। अब इसको ब्रेक डाउन करा देगा, किसमें ब्रेक डाउन करा देगा, दो मॉलिक्यूल से यहाँ पे बनवाएगा, मतलब 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स बनवाएगा, 3 फॉस्फो ग्लिसरलडिहाइड एंड एक बनवाएगा डाइहैप, ये दो, एंड ये दोनों के दोनों आपस में आइसोमराइजेशन कराएंगे। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर आइसोमराइजेशन कराएंगे। अब ये वो स्टेप है जहां पे मैक्सिमम बच्चों को चीजें समझ नहीं आती,
एक सिक्स कार्बन कंपाउंड से मैंने दो कार्बन कंपाउंड बनाए, दोनों के दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो इसका मतलब आगे वाला जो प्रोसेस चलेगा वो मैं या तो थ्री फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को लेके बनवा दूं या डाइहेप को लेके बनवा दूं, दोनों का अलग अलग स्टेप्स नहीं होंगे, सेम स्टेप्स होंगे क्योंकि दोनों आइसोमराइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो डाइहेप है इसको थ्री फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मेरे पास थ्री फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आगे की जो साइकिल चलेगी, दो 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 मॉलिक्यूल्स बनेंगे हर जगह पे, दो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है मेरे पास, वी हैव टू फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, थ्री थ्री कार्बन कंपाउंड्स के। चलो अब ये समझ में आ गया कि दो दो मॉलिक्यूल्स क्यों हम कंसीडर करते हैं। अब मैंने इसको फिर आगे फिर से ब्रेक डाउन कराया, थ्री फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ डी हाइड्रो जीनेस, डिहाइड्रोजिनेस से फिर से ब्रेक डाउन कराया, और ब्रेक डाउन करा के क्या बनवाया लिखो, वन थ्री डाई फोस्फो ग्लिसरलडिहाइड, वन थ्री डाई फोस्फो ग्लिसरलडिहाइड, फिर आगे फिर से ब्रेक डाउन कराया, वन थ्री डाई फोस्फो ग्लिसर ग्लिसरिक एसिड, डाई फोस्फो ग्लिसरिक एसिड बनवाया। आगे चलो, वन थ्री डाइफोस्फो से सिर्फ थ्री फोस्फोग्लिसरिक एसिड, थ्री फोस्फो ग्लिसरिक एसिड, देन टू फोस्फोग्लिसरिक एसिड। पहले स्टेप्स लिखवा रही हूँ सारे, फिर इनके बीच में बाद में बताऊ, लिख लो अभी, टू फोस्फो ग्लिसरिक एसिड एंड फिर बनेगा टू फोस्फो फिनॉल पाइरुविक एसिड एंड देन वी कैन गेट पाइरुविक एसिड। देखो जरा इन स्टेप्स को, आ गया समझ, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूं इनको। चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ये था मेरे पास थ्री फोस्फो ग्लिसरलडिहाइड। सबसे पहले मेरे पास बना, दो मॉलिक्यूल्स बने किसके, पीजीएल के, फोस्फो ग्लिसरलडिहाइड, दिस इज नोन एज पीजीएल। इससे मेरे पास क्या बना, इससे मेरे पास बना वन थ्री बाई पीजीएल, दो मॉलिक्यूल्स, वन थ्री डाई फोस्फो ग्लिसरिक एसिड को क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज वन थ्री बाई पीजीए। देखो ये पीजीएल है, एल का मतलब एल्डिहाइड, और ये एसिड ग्लिसरिक एसिड, दिस इज थ्री पीजीए, दिस इज टू पीजीए, आगे टू फोस्फोइनोल पाइरिविक एसिड, टू पेप बना एंड देन पाइरुविक एसिड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रही हूं मैं ताकि चीजें आप लोगों को दिख जाए अच्छे से। ये देखो क्या है यहाँ पे, डाइहेप। उससे पहले तो सब कुछ समझ में आ गया था हम लोगों को, सबसे पहले हमारा डाइहेप को मैंने थ्री फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड पीजीएल में कन्वर्ट करा। इस थ्री का मतलब ये है कि भाई थर्ड पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप अटैच है, थ्री का मतलब ये नहीं है थ्री मॉलिक्यूल्स है, थ्री पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। उसको मैंने फिर आगे कन्वर्ट कराया वन थ्री बाई पीजीएल में, बाई पीजीएल मतलब दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करा दिए यहाँ पे, क्या अटैच कराया, दो फॉस्फेट ग्रुप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहां पे हम किसको कन्वर्ट करा रहे हैं, टू पीजीएल को, एक सेकेंड एक सेकेंड, थ्री पीजीएल को हम लोगों ने कन्वर्ट कराया किसके अंदर, सबसे पहले आपका वन थ्री डाई पीजीए के अंदर कन्वर्ट कराया, यहाँ पे हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा। इसके बाद मैंने क्या कराया, वन थ्री बाई बाई पीजीएल को, वन थ्री बाई पीजीएल को वन थ्री बाई पीजीए में कन्वर्ट कराया, वन थ्री बाई पीजीएल को वन थ्री बाई पीजीए में। इस स्टेप के अंदर हमारा क्या होता है, एनएडी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी से एनएडीएच टू बनता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एनएडी से एनएडीएच टू बनता है। कौन से स्टेप में, जब हम वन थ्री डाइफोस्फोग्लिसरलडिहाइड से वन थ्री डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बनवाता है, बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया।
अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे ये वाला स्टेप आई गेस मिस कर रखा है उन्होंने, एक स्टेप मिस कर दिया इन्होंने बीच में, लेकिन मैंने आपको पूरा स्टेप करके दिखाया। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, फिर उसने 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया। ग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में डायरेक्टली दिखाते हैं, लेकिन मैंने बीच में एक स्टेप और जोड़ दिया। सिर्फ आपको याद रखना है 2NAD से 2NADH2 बनते हैं इस स्टेप में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये आपका। यहीं पे रिडॉक्स इक्विवेलेंट होते हैं वो हमको समझना है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, देखो लिख लो इस स्टेप को यहीं पे साइड में। जब ये प्रोसेस हम करा रहे हैं, NAD पॉजिटिव से NADH2 बन रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले से स्टेप का नाम लिखो। दिस स्टेप इज नोन एज डी हाइड्रोजिनेशन, या फिर हम इसको ऑक्सीडेशन ऑफ PGL भी बोल देते हैं, कि हम PGAL का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और इस ऑक्सीडेशन के लिए मेरे को क्या जरूरत पड़ती है, रिमूवल ऑफ रिडॉक्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे रिडॉक्स इक्विवेलेंट का रिमूवल होता है बिकॉज ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे को डिहाइड्रोजिनेशन कराना है, मतलब यहाँ पे एच पॉजिटिव रिमूव कराना है। वो एच पॉजिटिव रिमूव होते हैं हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ रिडॉक्स इक्विवेलेंट। किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एक चीज याद रखनी है, टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल। और मेरे पास टोटल कितने पीजीएल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एनएडी पॉजिटिव से 2NADH2 बन रहे हैं। दिस स्टेप इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पीजीएल, रिमूवल ऑफ रिडॉक्स इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक पीजीएल के लिए दो रिडॉक्स इक्विवेलेंट, टोटल पीजीएल दो, तो कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट, फोर। बस ये क्वेश्चन आता है, कितने रिडॉक्स इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के लिए चार चार रिडॉक्स इक्विवेलेंट। अगर एक पीजीएल के लिए पूछ लेंगे तो दो, सिंपल है, चार, ये हो गया। एंड यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको याद रखने की, ये जो भाई है मेरे पास एनएडीएच पॉजिटिव, एनएडी पॉजिटिव है, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। दिस इज वर्किंग एज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लो स्टेप को, हो गया। तो ये हमारा वो स्टेप हुआ जिसपे मेरे पास 2NADH2 मेरे को मिल रहे हैं। फिर 1,3-डाइपीजीए से, डाइपीजीए से जब 3-पीजीए बनता है, इस स्टेप में मेरे पास 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। फिर जब मेरे पास 2-पीजीए से पेप्ट बनता है, यहाँ पे मेरे पास H2O का फॉर्मेशन होता है। फिर जब हमारे पास पेप्ट से पाइरुविक एसिड बनता है, पेप से पाइरुविक एसिड जब बनता है, इस स्टेप में भी मेरे पास 2 ATP बनते हैं। इस स्टेप में भी मेरे पास 2 ATP बनता है। अब जरा स्टार्टिंग से देख लो, सबसे फर्स्ट स्टेप में कौन से में, फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज, सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फोर्थ फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। 1 से 2 स्टेप में एक ATP यूज हुआ, 3 से 4 स्टेप में अगेन एक ATP यूज हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ स्टेप में मेरे पास 2NADH2 बने, सिक्स्थ में 2NADPH2 बने, सॉरी NADH2, सेवंथ में अगेन 2 ATP बने। ये सेवंथ स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिसमें पहली बार ATP मेरे को मिले, पहली बार डायरेक्ट ATP मेरे को मिले। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस स्टेप इज नोन एज SLP स्टेप। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई SLP स्टेप में कितने ATP बनते हैं, 2 ATP बने हैं SLP में, कितने, 2 ATP। SLP यहाँ पे भी आएगा, क्रेब साइकिल के अंदर भी आएगा, कोई भी साइकिल चले उस साइकिल में पहली बार डायरेक्ट ATP। अब आप बोलोगे मैम NADH2 है, इससे भी तो 3 ATP बनेंगे, बट वो आगे जाके बनेंगे, यहाँ पे नहीं बने, यहाँ पे नहीं बने, यहाँ पे SLP हम इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये चीज लिखो, अगर मैं इसका पूरा का पूरा चार्ट देखू कि कितने ATP मेरे को गेन हुए, तो 2 ATP तो मैंने यहाँ पे यूज किए, 2 ATP यूज किए, टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो टोटल गेन कितना हुआ ग्लाइकोलाइसिस में,
टोटल गेन हुआ सिर्फ 2 ATP का प्लस 2 NADH2। और याद रखना 1 NADH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP जो मेरे को आगे जाके मिलेंगे। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 3 2 6, 6 + 2 मतलब बोल देते कि मैम टोटल 8 ATP का गेन हुआ ग्लाइकोलाइसिस में। भाई 8 ATP का गेन अभी नहीं हुआ, आगे जाके बनवाएंगे, इससे अभी नहीं बना। बताओ आया समझ में? फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डाईहैप, एल्डोलेज एंजाइम, पाइरुविक एसिड बना एंड में। पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला भी लिख लो, CH3COCOH, दिस इज CH3COCOOH। बताओ आया समझ में? पूरा स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से देख लेना, देख लोगे। चलो फिर अब एनसीईआरटी करते हैं। अब देखो भाई हमारी एनसीईआरटी क्या होता है। टर्म ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड है, पढ़ लिया। ग्लूकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराएंगे। जो स्कीम है ग्लूकोज की किसके थ्रू दी गई थी? गुस्टव एम्बेडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पर्नास, जो मैंने आपको लिखवा दिया था, ईएमटी पाथवे। इसीलिए हम इसको ईएमटी पाथवे बोलते हैं। जब हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का सिर्फ यही एक प्रोसेस चलता है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में लिखवा दिया था। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसके अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिससे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल क्यों बनेंगे? क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में दो पीजीएल बने थे, दो पीजीएल से दो ही तो बनेंगे, क्योंकि वो डाई है कन्वर्ट हो गया था पीजीएल में। पीजीएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस ग्लूकोज इज डेराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर एक स्टोरेज फॉर्म है। आगे देखते हैं चार्ट क्या लिखती है। स्टोर्ड फॉर्म है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। एंड सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सिर्फ मोनोसेक्राइड यूज करेंगे, डाइसेक्राइड होगा तो उसको पहले इन्वर्टेज की हेल्प से दो मोनोसेक्राइड में ब्रेक करा देंगे, विच इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फोस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फोस्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट मिला, जहां पे एक एटीपी यूज हुआ, एंजाइम यूज किया मैंने, हेक्सोकाइनेज। सिंपल है। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यही फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज, किसमें आइसोमराइज हो गई? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर एक और एटीपी हम यूज करेंगे, ग्लूकोज 1 6 फॉस्फेट। सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। अभी बोल रहा है कि भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सपोज कर रहा है, मैंने ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे ग्लूकोज करके दिखाया, आप लोग खुद से होमवर्क में फ्रक्टोज का करके देखोगे। हमने क्या किया, ग्लूकोज को पहले फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा दिया। अब डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, अगर मैं फ्रक्टोज यूज करूंगी तो फ्रक्टोज में पहले एक एटीपी डालूंगी, उसका 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा दूंगी, फिर दूसरा एक एटीपी यूज करके उसकी 1 पोजीशन पे। स्टेप कम हो जाएंगे, सिर्फ स्टेप कम होंगे, बाकी पूरी साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसमें भी 2 ATP बन रहे हैं, इसमें भी 2 ATP बनेंगे, देयर विल बी नो चेंज। याद रखनी है ये चीज, ठीक है? तो द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो 14.1 फिगर में, भाई इससे अच्छी फिगर तो हमने बना ली है। इन ग्लाइकोलाइसिस ए चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, 10 रिएक्शंस की एक चेन होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस, जो कि पाइरुवेट बनवाते हैं फ्रॉम ग्लूकोज। व्हाइल स्टडिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जब भी आप ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप पढ़ेंगे, आपको नोट डाउन ये करना है कि कौन से स्टेप पे एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, कौन से पे यूटिलाइज हो रहा है, और कौन से पे आपको NADH2 मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। एटीपी बोल रहा है कि भाई जो एटीपी है इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप, सिर्फ 2 स्टेप में यूटिलाइज होगा, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनवाएंगे, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1 6 बनवाएंगे। इन 2 स्टेप में डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकेंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1 6। फ्रक्टोज 1 6 को फिर हम बाद में एल्डोलेज की हेल्प से दो तीन तीन कार्बन वाले कंपाउंड में ब्रेक करा देंगे, डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, मतलब डाई है, डाई HAP, डाई है, एंड 3 PGL में कन्वर्ट करा देंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप, यहाँ पे कैसा स्टेप है, जहां पे क्या हुआ, देयर इज अ वन स्टेप जहां पे NADH पॉजिटिव बना, किससे? NAD पॉजिटिव से, एंड NAD पॉजिटिव इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज व्हेन 3 फॉस्फोग्लिसरल
डिहाइड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 1,3-डाई-PGA में, फोस्फोग्लिसरेट या फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे दो रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होते हैं जो आपको लिखवाया था मैंने। टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ सिंगल पीजीएल, दो पीजीएल से चार ट्रांसफर टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनएडी पॉजिटिव को जो मिलेंगे, और फिर उससे NADH2 बनेगा। यही तो हाइड्रोजन निकल रहे हैं यहाँ पे। पीजीएल इज ऑक्सीडाइज विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इंटू बीपीजीए, पीजीएल से बीपीजीए बन जाएगा बाई फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ बीपीजीए से जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक इज ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, जहां पे मेरे को दो एटीपी मिलते हैं। अनादर एटीपी जो मिलता है वो पेप्से पाइरुविक एसिड में मिलता है। पहले वाला जो है मेरे को एसएलपी स्टेप, कौन सा स्टेप हुआ एसएलपी, जहां पे हमारा 1,3-डाई-PGA से 3-PGA बन रहा है, वो स्टेप होगा एसएलपी स्टेप। टोटल अब काउंट कर लिया हमने कितने बने, तो पाइरुविक एसिड, ये बोल रहा है पाइरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट है। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म फेट, अब पाइरुवेट का आगे क्या कराओगे, दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड, ये हमारी सेल की नीड पे डिपेंड करने वाला है। देयर आर 3 मेजर वेज, यहाँ पे मेरे पास 3 ऐसे मेजर वेज है इन विच डिफरेंट सेल हैंडल करती है पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो मेरे पास ग्लूकोज से, देखो समझाती हूँ सिंपली, मैंने क्या किया, ग्लूकोज से 10 स्टेप करा के पाइरुविक एसिड बनवा दिया, दो मॉलिक्यूल्स बने, पाइरुविक एसिड बनवा दिया। अब मैंने बोला था कि ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड, दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर किसी के अंदर सेम चलेगा, ठीक है, एरोबिक हो या चाहे एनएरोबिक हो। लेकिन आगे पाइरुविक एसिड ब्रेक डाउन होगा, वो डिपेंड करेगा कि सेल कैसी है, कंडीशन कैसी है सेल पे, और कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उस बेसिस पे पाइरुविक एसिड आगे जाके ब्रेक डाउन होगा। अगर हमारा एरोबिक कंडीशन मिल जाए, एरोबिक कंडीशन मिल जाएंगी तो ये क्रेब साइकिल में एंटर होगा, ठीक है, एसिटाइल को ये बनाएगा। लेकिन अगर इसको एनएरोबिक कंडीशन मिलेंगी तो एनएरोबिक कंडीशन में ये दो स्टेप दिखाएगा, क्या क्या, वो दिखाएगा आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके अंदर चलने वाला है आपका, ईस्ट के अंदर, लैक्टिक एसिड आपकी मसल सेल्स के अंदर। ये वो स्टेप्स होंगे जो हम पढ़ेंगे एनारोबिक में, हमेशा याद रखना एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में टोटल 2 ATPs का फॉर्मेशन होता है, एरोबिक में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा स्टेप हमारे लिए यूजफुल है, एरोबिक या एनारोबिक, ऑब्वियसली एरोबिक स्टेप्स हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। आगे समझ में, अब एनसीईआरटी की लाइन कवर करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन, प्रोकैरियोट्स के अंदर हो सकता है या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर हो सकता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन या एरोबिक, तीनों कंडीशन हो सकती है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज से CO2 और वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट के अंदर हमारा लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बन जाता है। हाउएवर ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट क्रेब्स साइकिल व्हिच इज आल्सो नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस रिक्वायर O2 की सप्लाई जिसके लिए चाहिए होगी। बताओ यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है आप लोगों को या नहीं आया? एक एक एनसीईआरटी का वर्ड मैंने आप लोगों को करा दिया है, नोट्स आप लोगों को बनवा दिए हैं, पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों को बनवा दिया है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई ट्राइड कि आप लोगों को एक एक वर्ड समझ आए। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और क्रेब साइकिल, तीन प्रोसेस उसमें पढ़ेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग आपका ETS और आपका जितना भी मेटाबॉलिक एम्फाबॉलिक पाथवे है वो वाला पूरा स्टेप फिनिश करके चैप्टर, 3 लेक्चर में चैप्टर डन, ठीक है। अब ये मत सोचना मैम 3-3 लेक्चर्स में ऐसे होगा तो कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना,
हमारे पास सबसे ज्यादा आरयूएचएस वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आरयूएचएस वाले बच्चों का अगर मैं एग्जाम का बोलूं तो भाई आपका जुलाई में एग्जाम होगा, यू हैव 30 डेज, अराउंड 30 डेज में कंसिडर करके चलती हूँ। और हमारे PGI MER वाले बच्चे के लिए, PGI MER वाले बच्चों के लिए है अराउंड, उनका अगस्त में होगा, तो अभी हमारे पास आज ए डेट 18, तो 10 और 40 40 डेज में मान के चल रही उनके पास है। आरयूएचएस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा है, सिर्फ 12th का सिलेबस आ रहा है। PGI MER वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 11th और 12th का सिलेबस आ रहा है। तो PGI MER वाले बच्चे अगर सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही फॉलो करना चाहते सारे रूटीन, तो बच्चों जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर, इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता भी सकते हो कि मैम आप हमें डेली टारगेट्स दिया करो PGI MER वाले स्टूडेंट्स को, मैं आप लोगों को डेली टारगेट्स दूंगी। प्लस आरयूएचएस वाले बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी मैं डेली टारगेट्स दूंगी, ठीक है। और आपका एम्स पैरामेडिकल वालों का 24 जून को एग्जाम है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे आप लोगों ने, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, रिविजन करो, पूरे पूरे चैप्टर्स मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस रखो। ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस डाल रखी है, वहां से देखो उनको। तो आरयूएचएस वाले बच्चों का डेली का टारगेट में आप लोगों को मैं बोलूंगी, बच्चों बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो अच्छे से, बायोटेक्नोलॉजी। PGI MER वाले बच्चे जो चैप्टर में डेली क्लास में करा रही हो, 1 घंटे की डेली वीडियो आएगी वो कर लेना, क्लास लेक्चर करना डेली, और इसके साथ साथ 12th का मैं आपको एक चैप्टर, मैं यहाँ पे 11th कराऊंगी, 12th आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन से देखोगे, आप लोगों का भी बायोटेक रहेगा। अगर आप लोग ये सब पढ़ने के लिए रेडी हो तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डेली DPP शेयर किया करूंगी, जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका DPP आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डेली मिलेगा। बट आप लोगों को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, जो चीजें मैं बताऊंगी डेली की डेली आप लोगों के फिनिश होंगी, डाउट्स आप लोगों के मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे, अनलेस मैं वीडियोस बनाना बंद कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बच्चों एवं ही पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। जो टॉपर रहा है ना इस बार का, उसने बोला 15 आवर्स वो डेली पढ़ाई करता था, बच्चों ने 40 40 मॉक टेस्ट सॉल्व किया तब जाके उनके सिलेक्शन हुए। अगर आप लोगों को चाहिए इसी ईयर हमें करना है PGI MER करना है या आरयूएचएस करना है, तो भाई एटलीस्ट 10 से 10 घंटे, तो 10 घंटे तो बहुत कम है, इतना तो पढ़ो बैठ के। कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है आप लोगों को, कोई स्कूल फियर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है बैठ के, करो बस। की डेली के टारगेट्स मैं आप लोगों को दूंगी, आज का डेली टारगेट ये क्लास लेक्चर प्लस बायोटेक्नोलॉजी, दोनों के DPPs आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे इवनिंग पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का टारगेट हमारा रहेगा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, मिलते। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आप लोगों को नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।